हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ लाइफ। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई है और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो पता नहीं है मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों के साथ। मैं अगर GKGS कंप्लीट करने बैठती हूँ तो मेरा संस्कृत छूट रहा है, और मैं संस्कृत सब्जेक्ट अपना पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा GKGS छूट रहा है। क्योंकि GKGS में एक ही टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर मैं हिस्ट्री करती हूँ तो ज्योग्राफी छूट रही है, ज्योग्राफी करती हूँ पॉलिटी छूट रही है। पता नहीं कैसे मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम। तो मैं भी लेके बैठी थी हिस्ट्री, मैंने सोच के तो रखा है कि हिस्ट्री पढ़ने के जस्ट बाद ही मैं पॉलिटी भी पढ़ूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उसका काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया है, जो चीज़ें मुझे लर्न है उन्हें एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही थी फ्रेंड्स, हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी। इसके बाद मुझे पॉलिटी पढ़ना है। ये दोनों करते करते ही मेरा निकल जाएगा, मुझे पता है टाइम, फिर मुझे संस्कृत पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं ये मेरे ही साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। पहले तो लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छे से चल रही है पढ़ाई, सही टाइमिंग है, लेकिन बाद में जब पेपर नज़दीक आते हैं तो ऐसा हो जाता है कि टाइम ऐसे बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये लगता है कि अभी हमें पढ़ना बहुत है, टाइम बहुत कम है, और जबकि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, पता है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मैं अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या फिर ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं भी अपना रूटीन सही कर सकूं। क्योंकि मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ तो दूसरी मेरी छूट रही है। तो फ्रेंड्स, मेरा स्टेट का पेपर लगा हुआ है, उसका कल ही अभी अपडेट आ गया है कि 18 से 29 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो मुझे 29 के हिसाब से नहीं, 18 के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर उन्होंने डेट दी है 18 से और 29 के बीच में कभी भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कभी भी हो सकता है, 18 के बाद 19 20। तो मुझे 29 का वेट नहीं करना है, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। क्योंकि आज फ्रेंड्स ऑलरेडी 12 तारीख हो गई है। अब मेरे पास सिर्फ रिवीजन करने का टाइम बचा हुआ है फ्रेंड, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। अब मुझे नए टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर मैं नए टॉपिक्स इस टाइम कवर करूँगी तो वो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए अब जब पेपर इतना ज़्यादा नज़दीक है तो मैंने जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा अब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब मैं पॉलिटी का रिवीजन करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास, तो मुझे सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। जिसके लिए मैंने वो बुक ले ली है जिससे मैंने तैयारी की है। इसमें सारे ही टॉपिक बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं,
और उसके पीछे क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, और क्वेश्चन आंसर को भी, क्वेश्चन आंसर के नीचे भी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगी सरसरी निगाह में, फिर दूसरी, फिर मैंने उसका क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे लगना है। तो पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद मुझे संस्कृत भी पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे सब्जेक्ट लेके साथ में चल सकूं। काफ़ी देर बुक से रिवीजन करने के बाद मैंने सोचा कि ना एक दो क्लास ऑनलाइन भी कर ली जाए, तो मुझे ज़्यादा टीचर्स पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने दिव्य कीर्ति सर का क्लास लेना ज़्यादा अच्छा समझा। कि मैंने ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही देखा मोटिवेशन के लिए, मैंने ज्योग्राफी या किसी चीज़ की तैयारी के लिए नहीं देखा है। और फ्रेंड्स आप लोगों में से कौन कौन है जिन्हें पढ़ाई के टाइम कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है? मुझे पढ़ाई के टाइम कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। नमकीन हो गया, खीरा वीरा काट के रख लिया, सलाद, कुछ भी। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर दिव्य कीर्ति सर की क्लास की तब मोटिवेशन के लिए, फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर में नहीं लगाना है। काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते हुए, तो मैंने बस थोड़ा सा देख लिया जिससे फिर से एनर्जी हो जाए मेरे अंदर अच्छे से। तो आप लोग अपनी एनर्जी, अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या अगर वीडियो देखते हैं तो किसका वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग किस चीज़ की प्रेपरेशन करते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।